नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्तमान में DSSSB के अंतर्गत आपका TGT के लिए वैकेंसीज आपका जो है वो आ चुकी है और फॉर्म जो है वो आपका 8 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च फॉर्म जो है वो आपको 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच में दिखेगा, आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है उस नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट जो है उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो गया, आप उस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हो तो उसमें कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी संख्या है। इस बार का जो DSSSB है वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होना है। क्यों होना है, उसके बहुत सारे कारण। पहला, 21 जनवरी को आपका सीटेट वाले विद्यार्थियों का पेपर है और वो पेपर देकर निकलेंगे। उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो पेपर के माहौल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और उससे पहले ही आपका जो है दूसरा पेपर उनके सामने आ जाए, तो ये उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इस बार जो TGT का पेपर होगा वो अन्य पेपरों से या इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उससे ज़्यादा टफ होगा। उसका रीज़न जो है वो अभी हम देखेंगे, तो वीडियो बहुत छोटा सा होगा। और यदि आप TGT की तैयारी कर रहे हैं और DSSSB का फॉर्म आप भरने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो आवश्यक हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। जब आप कहीं पर रेस में जाते हैं तो आपको ये बताना जरूरी है कि 1600 मीटर की रेस है, 2000 मीटर की रेस है या 100 मीटर की रेस है, वरना आप तो ऐसे दौड़ते रहेंगे। और इसीलिए ये बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि आखिर दौड़ कितनी लगानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम इससे पिछले आपका जो है आपकी वैकेंसी की बात करें, 2021 की वैकेंसी की बात करें, तो TGT के अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों में आप देखोगे तो मेल की जो पोस्ट थी वो 469 थी और फीमेल की पोस्ट जो थी वो 662 थी। ठीक है, कट ऑफ की अगर बात करोगे तो देखिए यहाँ पर जनरल की कट ऑफ 118 जा चुकी थी, EWS की 105 थी, OBC की 93 थी, SC की 114, ST की 119, आपका जो कुछ पॉइंट और थे। कट ऑफ में देखा जाए तो यहाँ 121 फीमेल की थी, 106 आपका EWS, 112 OBC की, 108 आपका SC की और 89 आपका जो है ST। तो ये जो कट ऑफ है ये पुराने एग्जाम की। अब आप स्वयं सोचे, इससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें लगभग कट ऑफ 100 के अंदर ही आपका जो है सब कुछ हो गया था, सिलेक्शन वलेक्शन सब हो गया था। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई। उसका कारण है कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है उसमें दो पार्ट, एक तो जनरल पार्ट और एक सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को सबसे ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा कंपटीशन वो यहीं पर आ रहा है। और आपको पता है कि दोनों पार्ट में 40-40% मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्यता है। भाई अनिवार्यता है कि भाई इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए, तो 40-40% की ये जो अनिवार्यता है इसको लेकर आपका जो है बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ ले आते थे और यहाँ सिर्फ सब्जेक्टिव में आपका जो ऐसा नहीं मेहनत नहीं करते, करते थे लेकिन वहाँ इतने नंबर लाते थे कि बस उसे क्वालिफाई कर लिया, है ना। लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जो फॉर्म आएगा उसमें ये जो पेपर ए है इसमें ये 40% जो अनिवार्यता है वो क्या कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। इससे आपका जो है कंपटीशन लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, पहली चीज़। ये जो आपका लेवल हटाया जा रहा है ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, इस बार पोस्टों की अगर आप संख्या देखोगे तो यहाँ पर 129 आपका मेल के लिए है और 179 आपका फीमेल के लिए है। तो कहाँ 469, 662 और सीधे रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 129 और 179। तो अब सीधी सी बात, आपको बड़ा कॉमन सेंस आपका विषय है, आपको पता है कि जब पोस्ट जो है वो इतनी कम हो जाती हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिक बहुत ऊपर जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अब आप याद रखना, ये आपका जो दोनों पार्ट है ये दोनों पार्ट अब आपको इतना मजबूत करना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी चूक ना हो। क्योंकि अब आपके सामने अगर आप देखोगे तो डू और डाई वाली सिचुएशन है। क्योंकि अगर यहाँ की हम सेफ स्कोर की बात करें दोस्तों, तो सेफ स्कोर आप मान कर चलो इस बार का सेफ स्कोर आपको 125 से 130 का टारगेट लेकर चलो। इससे कम टारगेट लेकर चलोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, आप इस बात को मान कर चलना, क्योंकि पोस्टों की संख्या एकदम ना के बराबर। ठीक है, 129 और 179 पोस्ट संख्या बहुत कम है और इसीलिए इस बार कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, आपने मेहनत की है, बिल्कुल आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि इस बार का सिलेक्शन बहुत ज्यादा टफ होगा, इस बार का सिलेक्शन आसान नहीं होगा। आई बात समझ में? तो आपको जो है इस बार अपना टारगेट जो है वो कितना लेकर चलना है, 125 से 130 के बीच में आपको टारगेट लेकर चलना है। और यहाँ तक अगर आप टारगेट लेकर चलते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत
आराम से हो जाएगा। हाँ, आपको सबसे ज्यादा फोकस इसमें करना है, ये जो सामान्य वाला पेपर है जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी वाला पार्ट है, और सब्जेक्टिव तो आपको बिल्कुल एकदम मजबूत रखना है। अगर हालांकि अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि ये 40% हट जाएगा, लेकिन हट भी जाता है तो भी आपको इन दोनों को ही लेकर चलना है, क्योंकि फिर अगर ये हटता है तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको यहीं है ना। और आपको भी पता है कि भारत में जितने भी आपके विद्यार्थी होते हैं वो सामान्य विषयों की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा। अब आपका जो फॉर्म आने वाला है वो 8 फरवरी 8 मार्च के बीच में आपको भरने का मौका मिलेगा, लेकिन अब आप अपनी तैयारी में जुड़ सकते हैं, आप अपनी टीजीटी की तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद आपके पास जो भी महीने दो महीने का समय रहेगा पेपर के लिए, वो आपको बहुत अच्छे से निकालने हैं, ताकि आपके सामने पूरी तरह से आपका जो है एकदम परिणाम रहे और आप पूरी तरह से सफल हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।